स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरिया जिले की, जहां मनेन्द्रगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर अस्पताल का स्टाफ ही मरीजों का इलाज करने से मना कर दे तो फिर मरीज कहां जाएगा। दरअसल मनेन्द्रगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला भर्ती होने के लिए आई, लेकिन अस्पताल ने उसे दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो क्वारंटाइन सेंटर से रहकर आई थी, जबकि महिला ने पिछले 10 दिनों में 2 बार टेस्ट कराया और दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, फिर भी उसे अस्पताल से भगा दिया गया। जब इसकी सूचना आला अधिकारियों को हुई तब अधिकारियों के दबाव में महिला को भर्ती किया गया, लेकिन इलाज फिर भी नहीं किया गया। कौन बोल रहा था? ऐसा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं बोल सकता, वो अभी भी भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है, उसका डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा अभी उसकी, उसको हम बिस्तर की व्यवस्था और जांच वाँच करने के लिए बोलते हैं। सर ये कोई गैर जिम्मेदार आदमी हो सकता है, इस तरह की चर्चा किया हो, कोई समझदार आदमी ऐसी बात नहीं करेगा, मैंने ही उसको बुलवाया है तुरंत भर्ती करने। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता दिनेश कुमार द्विवेदी जुड़ गया है। दिनेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि कार्रवाई की बात कही है डॉक्टर्स ने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी महिला का इलाज चल रहा है जी, और जब इसकी खबर मीडिया को पहुंची तब उसके बाद इलाज हो चुका, इलाज होना चालू हुआ, लेकिन इस तरह का ये जो मानव को सरसार करने वाला ये मामला सामने आया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कोरिया जिले के लिए। जी दिनेश, पहले तो भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था, बाद में जब उसे भर्ती किया फिर भी इलाज नहीं किया गया, उसके पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? जी, मामला ये था कि ये 10 दिन पहले ये उत्तर प्रदेश के बनारस से ये क्वारंटाइन हुई थी मनेन्द्रगढ़ में जी, और उसके बाद जब ये, क्योंकि ये गर्भवती थी और गर्भवती के बाद जब ये इलाज करवाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई तो नर्सों ने उसको छूने से मना कर दिया। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर को पहुंची तो उन्होंने भर्ती किया लेकिन उसका इलाज नहीं किया और आनंद फानन उसे बाहर भेज दिया, और जब मीडिया को उसकी जानकारी हुई कि महिला जब तड़फड़ा रही थी, छटप रही थी, तब उसके बाद उसका इलाज चालू हुआ और उसे भर्ती किया गया। जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। समाज से भी आकाश दुआ जुड़ गया है। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी। कोरिया से मामला सामने आया है, कोरिया के मनेन्द्रगढ़ से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक महिला को क्वारंटाइन किया गया था कुछ समय के लिए, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आई, बावजूद इसके जब महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो इलाज करने से डॉक्टर्स ने मना कर दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि ग्रामीण अंचलों से जो व्यक्ति आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो इस उम्मीद से आता है कि उसका इलाज बहुत ही सस्ता और कम कीमत में और अच्छा इलाज हो सके, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना नर्सों द्वारा, मैं समझता हूँ काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिना जांच किए उसको कोरोना बता देना और उस महिला को धुतकारना कि आप बाहर बैठिए, आपका इलाज अभी नहीं कर पाएंगे, आपको कोरोना है, आप यहाँ कोरोना फैला रही हैं, मैं समझता हूँ ये नर्सों की बहुत बड़ी यहाँ पे। आकाश जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में विधायक जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक है विनय जायसवाल जी। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो मामला सामने आया है, मुझे लगता है आपके संज्ञान में होगा कि महिला को इलाज करने से मना कर दिया गया। जी, परसों रात की ये घटना थी जो मेरे संज्ञान में आया जी, गर्भवती महिला थी क्वारंटाइन सेंटर से, उसको मेडिकल की टीम लेके आई थी जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे जी, और निश्चित रूप से कुछ लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा वहाँ जिस स्टाफ है उनके द्वारा की गई है, जिसके जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, और उस महिला को अभी जो है मैंने संज्ञान लेके उसकी भर्ती होकर उसकी इलाज अभी चल रही है, इलाज में कभी कोई कमी नहीं है और उस गर्भवती महिला की देखभाल अस्पताल के स्टाफ के द्वारा। कब तक जांच पूरी हो जाएगी? देखिए, अभी तो जो प्राइमरी था कि उस महिला का इलाज हो और इलाज चालू है, और एक्जन को निर्देश दे दिए गए हैं जो भी इस तरह में नाइट में जिसकी भी ड्यूटी है उनसे पूछताछ करके, और जो भी उसमें जांच में आएगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि किसी का इलाज
केवल इसलिए ना करें कि विनय जी इससे पहले भी इस अस्पताल से लापरवाही की घटनाएं सामने आ चुकी है। आपको नहीं लगता कि कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ये जो मामला सामने आया है वो रिपीट ना हो? देखिए निश्चित रूप से जो भी घटनाएं हुई हैं पहले उसके ऊपर भी बड़ी जांच हमने करवाई है, और अभी एक जो एक महीना पहले भी इस तरह का एक कंप्लेन आया हुआ था उसके लिए भी जांच होके जो जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। और ये चूंकि कोविड से डर का जो मामला है, क्योंकि मैं विधायक जब डॉक्टर से अगर कोरोना से डरेंगे तो बाकी जनता का क्या होगा? देखिए मैं वही आपसे बोल रहा था कि मैं एक विधायक भी हूँ और एक चिकित्सक भी हूँ जी। जो पूरे हमारे देश में प्रदेश की बात नहीं देश की बात नहीं पूरे विश्व में जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, एक माहौल कोरोना का जो डर का पैदा हुआ है, निश्चित रूप से चिकित्सक साथियों को जो पैरामेडिकल स्टाफ है आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि हमको बीमार से नहीं लड़ना है बीमारी से लड़ना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक अपने को व्यवहार करना है और समुचित जितनी देखभाल है उसकी करनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा लोग पैरामेडिकल स्टाफ के मन में ही रहता है कि जो पूरे देश में पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है कोरोना की उससे लोग थोड़ा भयभीत तो है। ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो ये बार बार ये जो रिपीट हो रहा है, कभी अभी मनेन्द्रगढ़ से सुनने में आ रहा है और भी कई जगहों से सुनने में आता है कि तो इसके लिए जनता को जागरूक करना काफी ज्यादा जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा ये जो समस्या है और जो लापरवाही की जा रही है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की लापरवाही सामने ना आए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। समाज से भी आकाश जुड़े हुए थे हमारे साथ में। आकाश जी जैसा कि आपने सुना कि जो जागरूकता है वो मुझे लगता है कि जनता के साथ साथ अब डॉक्टर्स को भी जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना को लेकर डॉक्टर्स भी काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। जी हाँ जी, ये देखिए एक तो दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में काफी गायनोकोलॉजिस्ट जो है सिर्फ दो ही यहाँ पे मौजूद हैं और ऊपर से दोनों प्राइवेट हैं। और अगर इस कंडीशन पे जो व्यक्ति है ग्रामीण चाहे वो प्राइवेट अस्पताल जाने से डरता है, और जब वो ग्रामीण यहाँ पे आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो वो इसी उम्मीद से आता है कि उसका इलाज हो सके। और ऐसे अगर नर्सों द्वारा उसका दुर्व्यवहार किया जाएगा उनसे तो मैं समझता हूँ काफी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे संवाददाता के लिए। जी चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो खरगोन जिले